नमस्कार दोस्तों, कल शुभांकर मिश्रा जी के पॉडकास्ट में पवन सिंह जी ने खेसारी भैया को आईना अच्छे से दिखाया। जानते हैं, जब शुभांकर मिश्रा के द्वारा पूछा गया पवन सिंह जी से कि खेसारी के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो कहते हैं कि मैं खेसारी को अपना कंपटीटर ही नहीं मानता। इससे ज्यादा बेइज्जती की बात क्या हो सकती है जी, डूब के मर जाना चाहिए। और वैसे भी सही है, तुम पवन भैया के आसपास भटकते भी नहीं हो। आप ही क्या, भोजपुरी में ना अगर मेल सिंगरों में देखा जाए तो पुराने अगर भरत शर्मा जी वगैरह को छोड़ दिया जाए तो आज के डेट में तो कोई नहीं है जो पवन सिंह जी से अच्छा गाता हो। बाकी पवन भैया ने साफ साफ बोला कि हम उसको अपना छोटा भाई मानते हैं, वो सामने से आता है तो अलग तरीके से मिलता है और जब पीठ पीछे बोलता है तो अलग तरीके से बोलता है। और ये बात सही है कि खेसारी हमेशा से पवन सिंह जी को टोंट कसते आ रहे हैं उंगली। जानते हैं, भरम पालना अच्छी बात है लेकिन इतना ज्यादा नहीं पाल लेना चाहिए कि सर पे पागलपना बन जाए। नहीं मतलब अब पवन जी का ये दिन आ गया कि वो खेसारी के नाम पे स्टारडम लेंगे। खैर छोड़िए, पवन सिंह जी को वो एक दिन में ही पता है 3 या 4 लाख व्यूज आया था उस पॉडकास्ट पे। इतना बड़ा स्टारडम है पवन सिंह जी, उसके अंदर काफी लोगों का राज खोलते हैं, काफी लोगों के बारे में बोलते हैं, अपनी पहली पत्नी के बारे में बोले, अक्षरा सिंह के बारे में बोले, खुल के बोले जी, ज्योति सिंह जी के बारे में बोले, सबके बारे में बोले, पूरा खुल के, दिल खोल के। पहली बार एक तो ये पॉडकास्ट पहली बार था उनका लाइफ में, पहली बार किसी को उन्होंने पॉडकास्ट पे इंटरव्यू दिया था और इस इंटरव्यू में सब कुछ खोल के बातें हुई, पूरा दिल खोल के बात किया पवन भैया ने, सारे आरोपों के बारे में बात किया और इसलिए शायद सबको पसंद भी आ रहा है। काफी सवालों का जवाब दिया उन्होंने, आप लोग एक बार पॉडकास्ट देखेंगे ना, सारे सवाल आप सवालों के जवाब आपको भी मिल जाएंगे। बाकी खेसारी को तो गजब लपेट दिए हैं, खेसारी को अच्छे से उनकी औकात दिखा दिए हैं और आई होप कि खेसारी भैया भी समझेंगे। जानते हैं, मिलजुल के रहोगे। उन्होंने भी कहा कि वो छोटा भाई है, अच्छा है, अच्छा करता है, वो हमसे भी आगे जाए, लेकिन ये गलत है यार। अब आजकल के सिंगर आए और पवन जी को, लता जी को, बड़े लोगों को कंपटीटर बोलने लगे तो ये तो गलत है।